तो भाई साहब एंटमैन क्वांटमेनिया थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इस मूवी के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ही ज्यादा बवाल थे। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले स्पॉयलर्स वार्निंग ले लो, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अब एक्चुअली पहला पोस्ट क्रेडिट सीन तो काउंसिल ऑफ कैंग से रिलेटेड था, लेकिन दूसरा वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था लोकी सीजन 2 से रिलेटेड। इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अपने को एक कैंग का वेरिएंट दिखाया जाता है एक शो को होस्ट करता हुआ, और इस शो की ऑडियंस में बैठे हैं अपने मोबियस और लोकी भैया। अब चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि भाई ही हू रिमेंस के मरने के बाद टीवीए को टेक ओवर किसने किया, क्या वो विक्टर टाइमली था जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला, या फिर ये कोई और कैंग वेरिएंट है, या फिर ये वो वाला कैंग है जो हमें क्वांटम मेनिया के विलन के रूप में दिखा था। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो बस एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अगर अपन एंड क्रेडिट सीन को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये जो वेरिएंट शो को होस्ट कर रहा है ये और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइमली है। अब एक्चुअली कॉमिक्स के अंदर इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एक स्टोरी लाइन के अंदर विक्टर टाइमली जो है वो मेन कैंग यानी कि प्राइम कैंग का रूप ले लेता है। तो अगर उस चीज को ये लोग एमसीयू में पुल आउट करते हैं तो विक्टर टाइमली को भी एज मेन कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स के हेड की तरह दिखा सकते हैं, और एडवेंचुअली मल्टीवर्सल सागा का बिग डैडी भी दिखा सकते हैं इसी विक्टर टाइमली वाले कैंग को। और भाई यहाँ लोकी एक्सप्रेशन देख के साफ पता चलता है कि भाई कैंग कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है। तो इस एंड क्रेडिट सीन को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि लोकी सीजन 2 के अंदर एक से ज्यादा कैंग के वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत ही पहले रूमर्स आ रहे थे। तो लोकी सीजन 1 में ही हू रिमेंस के मरने के बाद अपने को दिखाया जाता है कि भाई लोकी जब वापस टीवी जाता है तब वहां पे कैंग की एक मूर्ति बनी होती है, और इस मूर्ति को देख के साफ पता चल रहा है कि भाई ये विक्टर टाइमली वाला वेरिएंट नहीं कोई और वेरिएंट है। तो किसी और वेरिएंट ने अभी ही हू रिमेंस को रिप्लेस किया है और टीवी को वही कंट्रोल कर रहा है, और अब जो वेरिएंट ही हू रिमेंस को रिप्लेस करके बैठा है वो नहीं चाहता कि सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन रहे, वो ये चाहता है कि भाई मल्टीवर्स ब्रेकआउट हो और मल्टीवर्सल वॉर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मल्टीवर्स के ब्रेकआउट को और इसीलिए मल्टीवर्स ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये चीज तो साफ हो जाती है कि भाई विक्टर टाइमली जो कि हमें एंटमैन के एंड क्रेडिट सीन्स में दिखा था वो टीवी को रूल नहीं करेगा, उसने ही हू रिमेंस को रिप्लेस नहीं किया है बल्कि कोई और ही वेरिएंट है। एंड अगर इन लोगों ने विक्टर टाइमली को एंड क्रेडिट सीन में दिखाया तो मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक से बेटर करेंगे ये इस कैरेक्टर को, और इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें मूवी या फिर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा ही। अब भाई बहुत से लोग ये भी स्पेकुलेशन कर रहे थे कि जो हमें एंटमैन क्वांटमेनिया के अंदर कैंग मेन विलन दिखा वही लोकी सीरीज का ही हू रिमेन है, मतलब ये दोनों कैरेक्टर सिमिलर है बस अलग अलग टाइमलाइंस की स्टोरी हमें दिखाई जा रही है। तो देखो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ही हू रिमेंस एक नॉर्मल और काम टाइप का बंदा है, और वहीं कैंग जो हमें क्वांटम मेनिया के अंदर दिखा उसका ऑरा एक कॉन्करर का है, वो फील करा देता है कि भाई वो क्या चीज है, उसके अंदर कितनी पावर्स हैं, एंड इवेंचुअली तुम दोनों के ओवरऑल बिहेवियर से पता कर सकते हो कि भाई ये दोनों सेम बंदे नहीं है। एंड हाँ, अपना जो कॉन्करर वाला कैंग है उसके फेस में स्कार्स हैं बहुत ज्यादा, और ही हू रिमेंस के फेस में ऐसा कोई स्कार नहीं है क्योंकि भाई वो शांत बंदा है, सिर्फ कंट्रोल करता है बाहर बैठ के, फाइट नहीं करता। और अगर तुम्हें याद हो तो भाई इस कैंग को बैनिश कर दिया गया था काउंसिल ऑफ कैंग से और इसे क्वांटम रियलम में भेज दिया गया था। तो अगर ये ही हू रिमेंस वाला कैंग होता तो ही हू रिमेंस काउंसिल ऑफ कैंग्स को बनने ही नहीं देता, जैसा कि हमें पहले देखने को मिला कि उसने सेक्रेट टाइमलाइन मेंटेन की हुई थी और मल्टीवर्स ब्रेकआउट होने नहीं दिया था, मतलब उसने अपने वेरिएंट को बनने ही नहीं दिया, तो भाई वो लोग उसे बैनिश क्या करेंगे। लेकिन ये कैंग बैनिश हुआ मतलब कि ये ही हू रिमेंस वाला कैंग नहीं है, और भाई मिस्ट्रीज तो बढ़ती जा रही हैं। अभी तक अपन सोच रहे थे कि भाई मल्टीवर्सल सागा का बिग डैडी कैंग होने वाला है, लेकिन अब क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं कि कौन सा कैंग बिग डैडी होगा, विक्टर टाइमली प्राइम कैंग या फिर कोई और। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि जो ही हू रिमेंस है उसका मास्टर प्लान कुछ और हो और मरने के बाद भी उसका प्लान चल रहा हो एंड इवेंचुअली वो वापस से रिटर्न करे। अब इसके ऊपर मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा वाइल्ड सी थियोरी है जिसको मैं फिर कभी कवर कर लूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।